प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं। फिर से एक बार तूने हमें एक और मौका दिया प्रभु जी, तेरे चरणों में आकर तेरी आराधना करने के लिए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। सुबह का समय में प्रभु जी हमारा तन मन को प्रभु तेरे पवित्र हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु जी। नया दिन दिखलाया, नया प्रभु जी दिन दिया तूने हमें, धन्यवाद देते हैं। नया अनुग्रह दिया प्रभु जी, नई कृपा दिया प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सुबह के समय में हमारे आत्मा को, प्राण को, शरीर को प्रभु तेरे पवित्र हाथ में हम समर्पण करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, कृपा कर, तू अनुग्रह कर प्रभु जी, गहरे प्यार से तूने हमें प्यार किया। हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सारा आदर महिमा आपको ही देते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी।
धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो। धन्यवाद करते हैं तेरे उपकारों के लिए प्रभु जी, आराधना करते हैं प्रभु तेरी भलाई के लिए प्रभु। जय जयकार हो तेरी। हालेलुया, सच्चा खुदा तू ही है प्रभु जी। हाल उद्धार करता है तू, हम तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, प्रशंसा हो प्रभु तेरी। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुझे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हाल अनंत प्रेम से तूने प्रेम किया प्रभु जी।
तूने हमारे लिए मुक्ति का द्वार को खोल दिया प्रभु जी, हम तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु जी सुबह के समय अपने आप फिर से एक बार रिफ्रेश करके तेरे पवित्र हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु जी। तू कृपा कर, तू अनुग्रह कर प्रभु जी, हमारे साथ रहे, तेरे लोगों की मुलाकात करे प्रभु जी, तेरा राज्य आए, से प्रार्थना करते हैं प्रभु। सारा आदर सारा महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से। प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर भला है, परमेश्वर अच्छा है, उसकी भलाई उसकी करुणा हमारे संग निरंतर बनी रहती है। परमेश्वर का सामर्थ जो हमें बदलता है, पवित्र आत्मा का सामर्थ इस मिट्टी के बर्तन के अंदर परमेश्वर ने हमारे अंदर छिपा के रखा है, वो हमारे भीतरी मनुष्यत्व को हर दिन वो बढ़ाता है, नया बनाता है। आइए मिलकर हम उस महान परमेश्वर को धन्यवाद करें, उसकी तारीफ करें। हालेलुया। के बर्तनों में
है अनमोल जाना, मिट्टी के बर्तनों में रखा है अनमोल जाना। सामत प्रभु का सामत है, अनदेखे हुई सामत है, अनंत प्रभु का सामत है, अनदेखी हुई सामत है। पितृ मनुष्य को दिन प्रतिदिन नया बनाता वो सामत है, पितृ मनुष्य को दिन प्रतिदिन नया बनाता वो सामत है। तरफ से क्लेश उठाते, संकट में हम नहीं पड़ते, चारों तरफ से क्लेश उठाते हैं, संकट में हम नहीं पड़ते, निरुपाय होने पर भी उम्मीद कभी नहीं खोएंगे, निरुपाय होने पर भी उम्मीद कभी नहीं खोएंगे। अनंत प्रभु का सामत है, अनदेखे हुई सामत है, अनंत प्रभु का सामत है, अनदेखे हुई सामत है। पितृ मनुष्य को दिन प्रतिदिन नया बनाता वो सामर्थ है, पितृ मनुष्य को दिन प्रतिदिन नया बनाता वो सामर्थ है। हमको सताते लेकिन हम त्यागे नहीं जाते, दुनिया में लोग हमको सताते लेकिन हम त्यागे नहीं जाते, गिर तो जाते पर नाश कभी नहीं होंगे, गिर तो जाते नाश कभी नहीं हुएंगे। सामत प्रभु का सामत है, अनदेखी हुई सामत है, अनंत प्रभु का सामत है, अनदेखी हुई सामत है। पितृ मनुष्य को दिन प्रतिदिन नया बनाता वो सामर्थ है, पितृ मनुष्य को दिन प्रतिदिन नया बनाता वो सामर्थ है। मसीह को दिलाया पवित्र आत्मा का सामर्थ, मरे हुओं से मसीह को दिलाया पवित्र आत्मा के सामर्थ, कितना महान है वो हमारी ओर काम करता, कितना महान है वो
हमारी ओर काम करता। हम प्रभु का सामर्थ्य, हम देखे हुई सामर्थ्य, आनंद प्रभु का सामर्थ्य, हम देखे हुई सामर्थ्य। देखे मनुष्य को दिन प्रतिदिन नया बनाता वो सामर्थ्य, देखे मनुष्य को दिन प्रतिदिन नया बनाता वो सामर्थ्य, देखे मनुष्य को दिन प्रतिदिन नया बनाता वो सामर्थ्य, नया बनाता वो सामर्थ्य। का सामर्थ हमारे भीतरी मनुष्यत्व को हर दिन नया बनाता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान है, जो विश्वास योग्य प्रभु है, उसकी आराधना करना हमारा सौभाग्य है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें यह सौभाग्य दिया है कि हम जीवित परमेश्वर की, महान परमेश्वर की हम आराधना करें। हालेलुया। वो अच्छा है, वो भला है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्य हो प्रभु जी, आपके पवित्र और सामर्थ्य नाम को हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। इस धन्यवाद की भेंट को प्रभु हम तेरे पास लाते हैं। ओ हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओ हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु जो कुछ तूने हमें दिया है प्रभु, तेरी ओर से जो हमें मिला है प्रभु जी, उसी के बदले में प्रभु हम तुझे क्या दें। धन्यवाद की भेंट को प्रभु हम तेरे पास लाते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस रब, हालेलुया, हालेलुया। तूने दिया उसी के बदले में क्या मिलूं, जो कुछ है तूने किया उसी के बदले में क्या कहूं। धन्यवाद का कटोरा मैं ये कहूं, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूं, पिता धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद। जीवन है तेरा दिया, जो कुछ है मेरा सब तूने दिया। जीवन है तेरा दिया, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूं, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूं, पिता
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद। आशीषें तुझसे हैं मेरी, बिन मांगे तूने सब कुछ दिया। आशीषें तुझसे हैं मेरी, बिन मांगे तूने सब कुछ दिया। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं कहूँ, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं कहूँ, पिता धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद। Hallelujah, 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 Hallelujah. धन्यवाद हो प्रभु, तेरे अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। तूने हमें बचाया, तूने हमें छुड़ाया, तूने हमारे पैरों को स्थिर किया। हर एक परिस्थिति में प्रभु तू हमारे साथ रहा प्रभु, तूने हमें आशीष दी प्रभु जी, तूने हमें सारी बरकतें दी। सारी आशीषों के लिए धन्यवाद प्रभु जी, तेरे बहुमूल्य वचनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं, जिसके द्वारा प्रभु तू हमें जीवन देता है प्रभु, तू हमें जयवंत करता है प्रभु जी। सारी आशीषों के लिए धन्यवाद, सारे लोगों के लिए प्रभु हम स्तुति करते हैं, तेरे हाथ में हम समर्पित करते हैं, मसीह यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में, आमेन और आमेन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वां अध्याय में 20 और 21 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 20 और 21। जो लोग उस पर्व में आराधना करने आए थे उनमें से कुछ यूनानी थे। उन्होंने गलील के बैतसैदा के रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर उससे विनती की, श्रीमान हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। श्रीमान हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। यीशु मसीह इस समय पर बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। क्या हो गए थे? प्रसिद्ध, फेमस, फेमस हो गए। और आप पढ़ोगे इसके 19वां वचन में, जो इनके जो धर्मगुरु लोग, विरोधी लोग थे, वो लोग डरते थे, अरे ऐसा तो नहीं है, सब दुनिया इनके पीछे चला जाएगा ऐसा लग रहा है, ऐसा करके वो लोग डर गए थे। 19वां वचन पढ़ना। तो फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो संसार उसके पीछे हो चला है।
देखो डर रहे हैं संसार उसके पीछे हो जाएगा तो हमारा धंधा खत्म, हमारा सत्ता खत्म, हमारा जो धोखेबाज हम जो कर रहे हैं लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, क्या वो सब हम नहीं कर पाएंगे? पूरे दुनिया चला जाएगा, चला जाएगा तो अच्छा ही है ना। हाँ, बहुत बड़ी संख्या में लोग यीशु के पीछे विश्वास करने लगे। लाजरस का अद्भुत काम को देखने के लिए भी लोग आते रहे। इतने फेमस हो गए यीशु मसीह, गुरु फेमस हो गए। उसका चेला जो मछली पकड़ने वाले हैं उसका भी बोल रहे हैं सर जी। पहले तो आए फिलिपोस बोले होंगे, अभी कैसे लोग बुला रहे हैं, हाँ सर जी, श्रीमान। अभी गुरु बड़े बन गए तो चले भी कलर उठा के चल रहा है। अभी यीशु को मिलने नहीं देंगे वो लोग, इतने घेर रखा है मुझे आगे पीछे, जैसे चले लोग यीशु मसीह को घेर रखा है। नहीं तो भीड़, इतना भीड़ भाड़ होगी, कभी कभी कुछ सेवक को भी देखे होंगे लोग, अगर प्रोटेक्शन नहीं करेंगे लोग उसको दबाई देंगे। तो ऐसे यीशु मसीह बड़ा फेमस हो गए, ज़्यादा फेमस हो गए, सब लोग देखना चाहते हैं, सब लोग मिलना चाहते हैं। एट द हाइट ऑफ हिज फेम, ये भी एक प्रोफेसी है। आप देखोगे बाइबल में भैया 22 भजन संहिता में लिखा है, अभी देखने का ज़रूरत नहीं, मैं बता रहा हूँ। तूने मुझे என்ன உயரத்தில் தூக்கி என்ன பண்ணிங்க, தாழ தள்ளினீங்க. யீஷு மசீ பிதா சே கஹ ரஹே ஹே, யஹி ஹோனே வாலா ஹை பவிஷ்யவாணி, எக்தம் டாப் மே ஜாயேங்கே, உஸ்கே பாத் உஸ்கா மிருத்யு ஹோனே வாலா ஹை. இஸ்லியே கியா ஹை, வோ 3.5 வர்ஷ் மே யீஷு மசீ கோ பஹுத் அப்னா ஆப் கோ ரெஸ்ட்ரிக்ட் கர்தே ரஹா, லோகோன் கோ பதாதே தே பாயி ஃபேலாவோ மத், क्योंकि जल्दी फेमस हो जाता तो काम ही नहीं हो पाता, फिर उनका काम को पूरा करना है, उनके काम को पूरा करना है। तो बोलते हैं श्रीमान हमें यीशु जी को देखना है, यीशु जी को देखना है। ये लोग कहाँ से आए, दूर से आए हैं, किस लिए आए हैं? वहाँ पर एक त्यौहार चलते हैं, पर्व चलते हैं, फेस्टिवल, उसमें आराधना करने के लिए आए। मतलब शायद ये लोग यहूदी लोग वहाँ रहते होंगे, दूसरे देश में, यूनानी नहीं तो यूनानी देश वाले यहूदी धर्म में धर्म परिवर्तन होकर के हो गए होंगे वो लोग, उस समय में आए थे। चर्चा चल रही यीशु मसीह के बारे में, काफ़ी लोग अलग अलग बातें बोल रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं अरे बड़े भविष्य दुखता है, कुछ लोग बोल रहे हैं अरे झूठा है, अलग अलग बातों को सुन करके। और ज़रूर यूनानी लोग, समझ लो यूनानी लोग ज़्यादा दिमाग में वाद विवाद करने वाले लोग है कि नहीं, पता नहीं क्यों ये लोग यीशु मसीह को देखना चाहते थे। लेकिन वो लोग सीधा जा कर के ऐसा मिल नहीं पाया, तो चेला का रिकमेंडेशन लेने के लिए चेला के पास गया। फिलिपोस ने क्या किया, फिलिपोस सीधा जाके यीशु जी से नहीं बोला। अभी क्यों नहीं बोला, अभी कुछ दिनों से बहुत ही भाषण चल रहा था यीशु मसीह का भाषण, और ऐसा ऐसा भाषण दे रहे थे उन लोगों को इधर से इधर, क्या हो रहा है भाषण इधर से, यहाँ गुजरात में यही बोलते हैं ना, यहाँ से यहाँ इस कान से सुनकर आप लोग बोलते हैं ना, हम लोग बोलते ऊपर ऊपर ही जाता है, वावर ट्रांसमिशन है कि नहीं। वावर ट्रांसमिशन मतलब क्या, ऊपर से चला जा रहा, अंदर से कुछ भी नहीं जा रहा, ऐसे ऐसे बातों को बता रहे थे यीशु मसीह। हमेशा
पास्टर जी, इन दिनों में हमेशा क्रूस के संदेश ही बोल रहे हो। यीशु जी का भी यही हो गए, बार बार वही बता रहे। मार्कू 8 में बोल रहे थे, पतरस झिड़क दिया। मार्कू 9 में बोल रहे थे, चेले लोग बात कर रहे हैं, हम में बड़ा कौन है। मार्कू 10 में फिर से बोल रहे हैं। बोलने के बाद तुरंत आ गए दो चेले, प्रभु जी हम भी आपके साथ क्रूस पर चढ़ जाते हैं, ऐसा बोला। क्या बोला? हमको राइट एंड लेफ्ट साइड सीट रिजर्वेशन कीजिए, हाँ, क्योंकि आप तो राजा बनने वाले, मैं मंत्री बनना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री, और हम ही लोग, हमारा परिवार ही राज्य करना है पूरे विश्व भर का। भागे चले लोग, इतना नहीं, हम लोग इतना पहले से है आपका। तो क्रूस के संदेश को वो लोग हजम नहीं कर पा रहे, इसलिए अभी ये जो यूनानी लोग मिलने आए हैं, फिलिपोस का ये डर था, क्या करेंगे, मास्टर जी के पास अभी जाएंगे, अम्मा मरुड़े प्रसंग आरमचिवांगल चल रहा पयन गए, मम्मी भाषणबाजी वापस शुरू कर देंगे। लड़के लोग बोलते हैं, भाषण बोलना है कि नहीं मम्मी लोग? लड़का सुने नहीं भी सुने, आप भाषण तो छोड़ना नहीं है। यीशु जी छोड़ने वाला नहीं है। फिलिपोस डरता है, क्या करेंगे अभी, इन दिनों में हमारा मास्टर जी पास्टर जी थोड़ा ज़्यादा कुछ बातें बोल रहे हैं, हमको तो समझ में भी नहीं आ रहे, बोर लग रहा है। पहले आशीष आशीष बोलते थे, बढ़िया अच्छा लगता था, या अभी देख करके क्या बदल गए हैं। क्रूस उठाकर चलने का कहाँ से इसका आ गए हैं विचार। देखो ये सारे विचार हमारे अंदर पहले से पड़ा हुआ, हम उठा रहे हैं, आप भी उठा रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा, उठा रहे हो, लेकिन यीशु को लोग देखना, यही बात होती है। यीशु को देखना, सही ढंग से देखना, यीशु लोगों को मिलना। फिलिपोस सोच रहे, ये तो अन्य जाति का आदमी है, कैसे मिलवाएंगे, ऐसा तो नहीं है प्रभु से जाकर के वाद विवाद करने लग जाएगा, लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर लेगा, और ऐसा तो नहीं हमारा प्रभु जी तो भाषण स्टार्ट कर देंगे, हम लोग थोड़ा झेलना पड़ेगा। हाँ झेलोगे पास्टर तामस का भाषण, बचो लोग, वेणमा वेणामा सिलवे पटरी सैदी जरूर चाहिए। वो हमारा गैमेट भाई बोले थे कड़वी दवा, थोड़ा बच्चे लोग घबरा गए, ये क्या कड़वी दवा दे रहे हैं इस मंडली में। दवा तो कड़वी हो मीठी हो कुछ बात नहीं है, दवा तो दवा है भलाई के लिए, भलाई के लिए। मैं बता रहा हूँ, अगर आप क्रूस नहीं उठाएंगे, शैतान का जुआ को उठाते रहेंगे। यीशु जी बोलते थे, बोझ से दबे हुए परिश्रम करने वाले मेरे पास आना। इसका मतलब क्या है? तुम पहले से तो उठा रहे हो बोझ, क्रूस नहीं उठा रहे हो, क्रूस पहन के घूम रहे हो और शैतान का बोझ उठा के जा रहे हो। यीशु ने बोला क्रूस उठाओ, लोग क्रूस पहनना स्टार्ट कर दें, फैशन बन गए। शैतान का बोझ उठा रहे हैं, जो विपुल भाई बोले ना एडिक्शन, वो भी तो शैतान का बोझ है, शैतान का बोझ है। आंटी भी प्रार्थना की आज, शैतान के बोझ उठाने वाले परिश्रम करने वाले मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम देता हूँ, विश्राम देता हूँ। कुछ लोग ये भी मालूम नहीं होता है, विश्राम अलग है आराम अलग है। आराम मतलब कुछ नहीं, आलसीपन, विश्राम मतलब अंदर में एक शांति रहेगा, आंधी को सामना करने वाला शांति अंदर रहेगा। मैं तुम्हारे अंदर विश्राम देता हूँ, मेरे जुआ अपने ऊपर आ रहा है कि नहीं वचन। क्रूस उठाने वाला संदेश तो पहले से चल ही रहा है, काफी बार हम प्रचार कर चुके, मेरे जुआ अपने ऊपर उठा लो। कौन सा जुआ है? वही
यीशु जी के खातिर हम अपने क्रूस को उठाएंगे और मेरा बोझ कैसे है, बहुत भारी है, सहज, मेरा जुआ हल्का है। तो देखो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्रूस उठाने का संदेश है, आजादी वाला संदेश है, उसी में से आजादी करेगा, यहां आपको बांध के रख देगा। इसलिए बांध के रख रहे हैं, हम बांध के नहीं रखेंगे फिर वापस तुम भाग जाके उसके जुआ में पड़ जाओगे, समझ रहे? फिर वापस रिपीट करो, इस जुआ में, यीशु मसीह का जुआ के नीचे नहीं आना चाहते हो, क्या होगी, उस बोझ में दोबारा तुम फंस जाओगे। द मैसेज ऑफ द क्रॉस इज अ मैसेज ऑफ फ्रीडम, आजादी का संदेश है, छुटकारा का संदेश है, आपका जीवन को बदलने वाला संदेश है। यहां लोग यीशु मसीह को देखना चाहते थे, और किस मकसद से देखना चाहते मालूम नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं, दुनिया के लिए मेन सॉल्यूशन है, लोग यीशु को देखना चाहिए। और ये भी बोल रहे, जब यीशु जी आएंगे, इवन उनका जो छेदा था वो लोग भी उसको देखेंगे, सब आंखें देखेगा, सब जीभ कबूल करेगा, सारे घुटने ठीकेगा, हर अंक देखेगा, लेकिन उसमें देखना अभी देखना बहुत फर्क है। उसमें देखेगा लोग छाती पीटेंगे, विलाप करेंगे, अरे इसका हमने इतना निंदा किए थे, इसके फॉलोअर्स को हम पिटाई करके भगा दिए थे अपने गांव से, वही गुरु है, वही राजा है, आ गया यार। देखने वाला ऐसे लोग, मैं बता रहा हूँ, लोग तमाशा देखने के लिए भी यीशु को देखना चाहते हैं। हेरोदेस राजा बोल रहे थे, मुझे देखना है, क्यों, बड़ा बड़ा चमत्कार वो कर रहा है, ये यूनानी लोग क्यों देखना चाहते हैं मुझे मालूम नहीं, शायद चमत्कार देखना चाहते हैं, शायद ज्ञान को मतलब वाद विवाद करना चाहते हैं, लेकिन दुनिया के लिए सॉल्यूशन है, पूरा दुनिया यीशु के पीछे चलना ही दुनिया के लिए सॉल्यूशन है, दुनिया के लिए सॉल्यूशन है, दुनिया यीशु मसीह को देखना है, सही ढंग से देखना है। अभी हम लोग प्रचारक लोगों का काम क्या है, हमको यीशु मसीह को आपको दिखाना है। आप लोगों का जरूरत है यीशु का हमें देखना है, तो मेरा जरूरत है यीशु मसीह को आपको दिखाना है। और कौन सा यीशु को दिखाना है, जैसे आप चाहते वैसे नहीं, आप चाहते होंगे 50% यीशु, ओनली ब्लेसिंग देंगे, डांटेंगे नहीं, चर्च नहीं जाएंगे तो भी कोई वादा नहीं, ब्लेसिंग देते रहेंगे, ऐसे यीशु का प्रचार करो पास्टर जी, लेकिन वो तो झूठा रहेगा। बोलो, झूठा यीशु का प्रचार करो, सच्चा यीशु का प्रचार करो, वही यीशु को देखना है। यूनानी लोग बोल रहे हैं, हम यीशु को देखना है, आज पूरे दुनिया यीशु को देखना है, हर विश्वास यीशु को देखना है, और जैसा वो है वैसे ही देखना है, मैं सो हूं जो हूं वैसे ही देखना है। यीशु मसीह को देखने के लिए एक ही रिक्वायरमेंट है, यहां पर हम आगे जाने वाले हैं, यीशु मसीह को शारीरिक आंखों से काफी लोग देखते थे, नहीं समझ पाए, यीशु मसीह को उसके वचनों के साथ देखना है, उसके बलिदान के साथ देखना है, क्रूस के संदेश के साथ उसको देखना है। क्रूस के संदेश आपको समझ में आना चाहिए। यूनानी लोग बोल रहे थे, यीशु को देखना है, फिलिप्पियों ने क्या किया, अरे हम अकेला क्यों जाएंगे, पास्टर जी से मास्टर जी से डांटना पड़े, अंद्रयास तुम भी आना, हम दोनों जाके बात करेंगे। अंद्रयास थोड़ा पता नहीं, अंद्रयास माले में कौन है, शायमन पत्रस का भाई है, तो सोचा कि पत्रस प्रभु का क्लोज सर्कल में है,
तो वो रिकमेंडेशन से आंद्रयास क्या कर रहा है, हाँ इसको लेके जा रहे हैं साहब, प्रभु जी ये कुछ कहना चाहते हैं फिलिपोस, क्या बोलो, वो लोग आपको मिलना चाहते हैं। तो यीशु ने क्या बोला, चलो चलो आओ आओ, मिलना चाहते हैं आओ मिलो। क्या बोला, ऐसा बोला क्या? ऐसा नहीं बोला। अभी बोल दिया यीशु जी, अभी इतना लोग मेरे को मिलने आ रहे हैं, मतलब अभी मेरे को मरने का समय है। अभी देखो मैं समझा रहा हूँ, सपोज मैं बैठा हूँ यहाँ पर, कोई मेरे को मिलने आ रहा है, मिलने आ रहा है, अभी बेचारा उधर खड़ा है, मैं बोल रहा हूँ वो आया है क्या, चलो मेरे को जाने का टाइम हो गया। मतलब क्या है, अभी मिलने के लिए टाइम मिल नहीं पाएंगे, अभी मिलने का नहीं, वो लोगों को यीशु मसीह मिलेगा नहीं, यीशु मसीह अभी नहीं मिलेगा। वैसे तो अन्य जाति लोग यीशु मसीह को मिल नहीं पाते थे, यीशु मसीह कई अन्य जातियों के पास पास जाकर अद्भुत काम नहीं किए, एक हाथ किए, एक सूबेदार के लिए किए, कानूनी स्त्री के बेटी के लिए किए, कभी भी इवन चेले लोग भी अन्य जातियों के बीच में जाके प्रचार कभी नहीं किए। उसमें भी एक कारण है, परमपिता की इच्छा को लोग किए हैं। अब ये यूनानी लोग यीशु मसीह को देखना है तो वो लोग वेट करना पड़ेगा, यीशु मसीह के बलिदान होने का जरूरी है, उसके मृत्यु और पुनर्थान की जरूरी है, ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। यहाँ 32 वचन में कहते हैं, जब मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा क्या होगी, सबको मेरे पास खींच लूंगा। 32 वचन पढ़ना, और यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा, सबको खींच लूंगा, सबको खींच लेंगे, ये लोगों को भी मिलने का मौका मिल जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल नो चांस, मेरा जाने का समय आ गया, मेरे मरने का समय आ गया, एकदम पीक में जाएंगे, उसके बाद बलिदान करना है। यीशु मसीह को मालूम है, वही कहते हैं 22 में पढ़ना, 22 क्या बोल रहे हैं यीशु जी, जवाब क्या दे रहे हैं। इस पर यीशु ने उनसे कहा वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है। आगे, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। तो यही है क्रूस की संदेश, मत्ती 16 में, मत्ती 10 अध्याय में, मार्कुस 8 अध्याय में, मार्कुस 9 अध्याय में, मार्कुस 10 अध्याय में, लूका 9 अध्याय में, लूका 14 अध्याय में, ये सब हमने एक दिन के मीटिंग में बताए, सारे क्रूस के संदेश मत्ती में, मार्क में, लूकास में और योहन्ना 12 में है, यही संदेश है। गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर मरे नहीं, गिरे नहीं, जब तक गिरेगा नहीं मरेगा नहीं, भूमि पर बोया नहीं जाएगा, अकेला रहेगा, बोया जाएगा, बहुत फल लाएगा। यीशु मसीह को मरना, पुनर्थान होना जरूरी है, उसको डायरेक्ट आंसर नहीं दिए, लेकिन उसको इनडायरेक्टली आंसर दे दिए। यीशु मसीह को अभी नहीं मिल पाएंगे, अभी देखने से भी फायदा नहीं, उनको उद्धार नहीं मिलने वाले हैं, उद्धारकर्ता के रूप में उनको स्वीकार करना है। यीशु मसीह जब ऊंचे पर चढ़ाए जाएंगे, ऊंचे पर चढ़ाए जाने का मतलब क्या मालूम है, 33 वचन में लिखा है, तभी सबको मेरे पास खींच लूंगा। 33 ऐसा कहकर उसने यह प्रकट कर दिया कि वह कैसी मृत्यु से मरेगा। हाँ, वही 32 का अर्थ 33 में है, ऊंचे पर चढ़ाया जाना ये नहीं, पुनरुत्थान पाकर स्वर्ग में गया वो बात नहीं कर रहे हैं, क्रूस के द्वारा ऊंचे पर चढ़ाए गए, जमीन से उसके पाँव ऊपर रख दिए गए हैं, टांग दिए गए हैं,
उस समय में सबका अपने पास खींचेंगे, यहूदी यूनानी किसी में कोई भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, सबका अपने पास खींचने वाले है। लेकिन क्रूस के बलिदान के बगैर वो लोग आ नहीं पा रहे थे। गेहूं के दाना भूमि पर पड़कर मरेंगे नहीं, तब तक अकेला रहेगा, अकेला रहेगा, थोड़ा ही लोगों की फायदा रहेगी, अपने आसपास के लोग, लेकिन मरने के कारण यूनानी हो, यहूदी हो, कोई भी अन्य जाति, भारत देशवासी हो, तमिल का, यूपी का, बिहार का, ओडिशा का, बंगाल का, गुजरात का, महाराष्ट्र, नेपाल का, कहीं का क्यों ना हो, सभी को अपने पास खींचूंगा। यीशु मसीह का मृत्यु बहुत ज़रूरी था। गेहूं का दाना बोया जाएगा, बीज को लेकर के आप कहाँ रखोगे, शोकेस में, शोकेस में रखोगे तो क्या आएगा, हाँ, लेकिन बोया जाएगा। इसलिए बोलते हैं ऐसे रहेगा, ऐसे अकेला रहेगा, बोया जाएगा, बहुत फल आएगा। अपने आप का बारे में बोल रहे हैं, बलिदान के बारे में बोल रहे हैं। यीशु मसीह का बलिदान है, इसी के द्वारा परमेश्वर को देख सकते हैं। उसके बलिदान को अगर प्रचार नहीं करेंगे, हम यीशु मसीह का प्रचार सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। जिस यीशु को लोग देखना चाहते उस यीशु को हम नहीं दिखा रहे हैं, हम गलत यीशु को दिखा रहे हैं। पौलुस कहता है पहला कुरिन्थ 1 में, हम उस यीशु को प्रचार कर रहे हैं। कौन कौन सा यीशु को, हाँ, हम क्रूसित हुआ यीशु को प्रचार कर रहे हैं। पढ़ना बेटा पहला कुरिन्थ पहला अध्याय उसका 23। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। मूर्खता है क्यों? अरे क्या आपके भगवान इधर आया, आपके भगवान को लोगों ने पकड़ के मार दिया, इसको आप लोग बोलते रहते हो, आप लोगों को शर्म नहीं आ रहा है? हमको शर्म नहीं आ रहा है, हमको मालूम है मेरे प्रेमी यीशु प्रभु तेरी क्रूस मेरी महिमा, तेरी क्रूस मेरी महिमा, मेरे प्रेमी यीशु प्रभु तेरी क्रूस मेरी महिमा, तेरी क्रूस मेरी महिमा। जीता हूँ मैं जाने तुझको, पाऊँ तेरी करने का मैं, जीता हूँ मैं जाने तुझको, पाऊँ तेरी धार्मिकता मैं, जानू सामत मृत्यु जय की, जानू सामत मृत्यु जय की, शामिल हो जाओ तेरे दुखों में, शामिल हो जाओ तेरे दुखों में, मेरे प्रेमी यीशु प्रभु तेरी क्रूस मेरी महिमा, तेरी क्रूस मेरी महिमा। मैं ये वन डे यूथ मीटिंग के लिए मैसेज रेडी कर रहा था, तो काफ़ी पुराना तमिल का गीत है ये, मे बी 100-200 ईयर्स पुराना होगी। प्रभु के दास लोग देखो, मैं बता रहा हूँ, प्रभु के लिए विश्वास योग्य, प्रभु को सच्चाई प्रेम करने वाले लोग कोई भी देश में, कोई भी जगह पे, कहीं भी छोटा से संख्या में भी ज़रूर लोग तो ज़रूर रहते ही है। ऐसे गीत रचा है प्रभु के दास, अभी तो प्रभु के पास गए हैं। मैं सुबह गीत गा रहा था, बार बार मेरे अंदर पवित्र आत्मा दोहरा रहा था ये गाना को, तमिल में है वो गीत,
की रुस्ते सुराजा उंदन सिल वयन मैन मई उंदन सिल वयन मैन मई विंद की रुस्ते सुराजा उंदन सिल वयन मैन मई उंदन सिल वयन मैन मई। तो परमेश्वर मदद की है इस गाना को फिर ट्रांसलेट करने के लिए, करेक्शन कराया परिवार में। तो ये संदेश आपको मिल जाना चाहिए, यीशु मसीह का क्रूस है हमारा जीवन का कारण है, वो गेहूं का दाना स्वर्ग से आया कीमती है, वो हमारे लिए जान बलिदान दिया, उस गेहूं के दाना के अंदर जीवन था, वो जीवन हमें देना चाहता था, उसके अंदर उसके हाथों में जीवन की रोटी था, वो जीवन की रोटी को लेके लाखों करोड़ों लोगों को खिलाना चाहता था। जब उनके आसपास में भीड़ आए थे 5,000 के ऊपर एक समय में, 4,000 के ऊपर दूसरी समय में, उस समय में उसने क्या किया, वो रोटी को तोड़कर बांटा। लेकिन लाखों करोड़ों विश्व भर सभी को खिलाना है। पिता ने कहा तुम ही वो जीवन की रोटी हो, तुमको तोड़ेंगे जीवन भर सभी के लिए जीवन की रोटी मिल जाएगा। वही जीवन की रोटी है, यीशु है, गेहूं का दाना स्वर्ग से आया मरने के लिए। हम लोग जीने के लिए जन्म लिए, वो मरने के लिए जन्म लिए, और अपने आप से मृत्यु उसने पाया है। यूहन्ना 10 में बोल रहे मैं अपने आप से मेरे जान को देता हूँ, अपने आप से उसको वापस लेता हूँ, यही आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिला है। अपने आप से वॉलंटरीली उसने दे दिया। वहाँ पर प्रार्थना किया, प्रभु मेरी मर्जी नहीं आपकी मर्जी, अपने आप को समर्पण किया। अगर यीशु मसीह ऐसे नहीं किया होता, हम लोग कोई परमेश्वर को देख नहीं पाते हैं। यीशु ने कहा मेरे बगैर कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता, देख नहीं सकता। यहूदी लोग यूनानी लोग तो चांस ही नहीं है, यहूदी लोग तो थोड़ा पहले थोड़ा जानते थे यहोवा परमेश्वर के बारे में, यूनानी लोग तो जानते ही नहीं, हम लोग तो जानते ही नहीं। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा भी क्या यहूदी हो यूनानी हो कोई फर्क नहीं, सब लोग यीशु को देखना है, वो यीशु को देखना है जिस यीशु क्रूस पर लटकाया गया था, वो यीशु जो पुनरुत्थान पाया था, वो यीशु आज जीवित है, वो यीशु को देखना है। केवल एक धर्म का साबित करने वाला के रूप में नहीं देखना है, केवल एक चंगाई करने वाले के रूप में नहीं देखना है। जरूर वो चंगाई का दाता है, जरूर आशीष का सोता है, जरूर जीवन दाता है, लेकिन आपको यीशु मसीह को टोटालिटी में देखना है, पूरा पूरा देखना है, पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, इस ढंग से देखना है। क्रूस के संदेश को जानना है, क्रूस के संदेश को जानने बगैर कोई भी यीशु जी को बराबर नहीं देख पाएगा, उसके बगैर आप पिता के साथ जोड़ नहीं पाएंगे, यीशु को नहीं जान पाएंगे। गेहूं के दाना जब तक भूमि पर पड़कर मरे नहीं, उसने प्राण उंडेल दिया मौत के लिए ताकि जीवन हमें मिले। हमें कितना भी ज्ञान पाओगे, कितने भी इंस्ट्रक्शन पाओगे, कितने भी चमत्कार भी पाओगे, जरूरी है चमत्कार, छुटकारा जरूरी है, चंगाई जरूरी है, लेकिन एक चंगाई पा लिए, एक छुटकारा पा लिए काफी नहीं है। यीशु मसीह का जीवन आपके अंदर बहना चाहिए, इसलिए उसने प्राण उंडेल दिया मौत के लिए ताकि जीवन हमें। क्या जरूरी है, आपको यीशु को देखना है, आप यीशु को पाना है, यीशु का जीवन तुम्हारा में कार्य करना है। पास्टर जी मैं बहुत गुस्सा वाला हूँ, मेरे से बड़ा गुस्सा वाला यहाँ कोई नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। गुस्सा आया, एक पेपर वेट था मेरे घर पर, उठा के मम्मी के ऊपर मैंने फेंक दिया था, ऐसा नहीं करना मेरे बच्चों लोग प्लीज़। मैं क्यों बता रहा हूँ, अभी
सब लोग अंकल जी आप हमारा पिता जैसे हैं, आप ऐसे ऐसे काम मत कीजिए। अभी नहीं करूँगा, चिंता नहीं करना। लेकिन वही अगस्टिन थॉमस है, लेकिन अभी ऐसा काम मैं नहीं करूँगा। अगर कोई मेरे ऊपर पेपर वेट फेंकागा तो भी, मारेगा तो भी साइन लेंगे, लेकिन उसका वापस में हम मारेंगे नहीं, क्योंकि मेरे अंदर मेरा जीवन नहीं है, यीशु जी का जीवन है। वही बदलावट के लिए सॉल्यूशन है। एक ज़रूर हम डिलीवरेंस मीटिंग भी रखते हैं, एक डिलीवरेंस केवल काफ़ी ज़रूरी है वो भी, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। यीशु मसीह का जीवन आपके अंदर प्रवेश होने दो, यीशु मसीह का जीवन आपके अंदर जीने दो, यीशु मसीह का जीवन आपके अंदर बहते रहने दो। यीशु जी का जीवन रहेगा वहाँ पर, शांति, चंगाई, छुटकारा, सहनशीलता, प्रेम, धीरज, सब कुछ रहेगा, एक भी कमी नहीं रहेगा। पिताजी, यीशु मसीह का जीवन को सारे मानव जाति को बांटने के देने के लिए एक ही सॉल्यूशन निकाला, दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं। यीशु को मरने बगैर उसका जीवन हमारे में नहीं आ सकेगा। गिना गया वो अपराधियों के संग जो पाप से अनजान था, गिना गया वो अपराधियों के संग जो पाप से अनजान था, उसने प्राण उंडे दिया मौत के लिए कि जीवन हमें मिले, उसने प्राण दे दिया मौत के लिए कि जीवन हमें मिले, उसने उठा लिया मेरे दुखों को और सह लिया सारे रोगों को, उसने उठा लिया मेरे दुखों को और सह लिया सारे रोगों को, ताकि मैं चंगे हो जाऊं उसके मारने से, ताकि मैं चंगे हो जाऊं उसके मारने से। यीशु घायल किया गया, कुछ लग गया मेरे पापों के कारण, यीशु घायल किया गया, कुछ लग गया मेरे पापों के कारण। ओ सतारा जब सताया गया अपना मूल मीन खोला, सताया गया अपना मुगरीन कोला, आमीन। उसने प्राण उंडेल दिया मौत के लिए। आयशाया 53 में सब चीज लिखा हुआ है, हमारे लिए, हमारे खातिर। आज इस यीशु मसीह को देखो जो प्रेमी है, उस यीशु मसीह को देखो आपके लिए अपने जान बलिदान किए, उस यीशु मसीह को देखो गेहूं के दाना बनकर इस दुनिया में बोया गया और गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, आज पिता परमेश्वर की दाहिने ओर बैठा हुआ है, अभी क्रूस पर लटका हुआ नहीं है। बोल रहे हम क्रूस पर चढ़ाया गया यीशु को प्रचार कर रहे हैं। कुछ लोग अभी भी यीशु मसीह का तस्वीर को क्रूस पर लटका हुआ देख करके उसमें पूजा पाठ कर रहे हैं और बोलते हैं वहाँ से लहू निकल रहा, ये निकल रहा है। सही यीशु को देखो, अभी क्रूस पर लटका हुआ यीशु नहीं, क्रूस पर लटका हुआ, क्रूस पर चढ़ाया गया, गाड़ा गया, जिंदा हो गया, अभी कुर्सी पर बैठा हुआ। मैंने बोला पहले क्रूस बाद में कुर्सी। अभी यीशु जी को तो लोग पहले भी क्रूस अभी भी क्रूस में कर रहे हैं, अभी भी क्रूसित कर रहे हैं। इब्रानी में किताब में लिख रहे हैं, अगर तुम बार बार पाप करते रहोगे, बार बार एडिक्शन में रहोगे, अब बार बार दारू पीते रहोगे, बार बार व्यभिचार करते रहोगे, बार बार वही गड्ढे में, जैसे आंटी ने बोले सुअर के समान उसी में पड़े रहोगे, अब क्या कर रहे हो? क्रूसित हुआ यीशु को वापस क्रूसित में कर रहे हो? ऐसा न करना यार, प्लीज़।
पहले हमारा पापों के कारण क्रूशित हो गए, हमको पवित्र करने के लिए बार बार क्रूशित करना नहीं, पुनरुत्थान पाया यीशु मसीह को विश्वास करो और आपकी स्वभाव को बदलने वाला यीशु ऐसा विश्वास करो। कितने लोग चाहते हैं इस लेंथ डेज में, पास्टर जी मैं फास्टिंग कर रहा हूँ, 40 दिन फास्टिंग कर रहा हूँ, फास्टिंग करो, लेकिन इसका भी फास्टिंग करो, गुस्सा घमंड, और अभी ये फास्टिंग स्टार्ट करो, मरने तक वो फास्टिंग चालू रखो। कौन सा फास्टिंग? गुस्सा घमंड झगड़ा पेपर वेट फेंकना लड़ाई भाई से झगड़ना, ये सारे चीज़ों के लिए क्या हो गया हम? यही देखो कौन सा इश्यू को लोग प्रचार करेंगे, जो इश्यू को लोग अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं वो इश्यू को लोग प्रचार करेंगे, समझ रहे हैं? पौलुस क्या बोलते हैं, मैं क्रूस पर चढ़ाया गया यीशु मसीह को प्रचार कर रहा हूँ, क्यों? वही यीशु को देखते रहा, वही अनुभव किया, बोल रहे मैं भी यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ गया, मसीह के साथ में क्रूसित हुआ वो, अब और मैं नहीं जीवित रहा, मसीह के साथ में क्रूसित हुआ वो, अब और मैं नहीं जीवित रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, उसके विश्वास से मैं जीवित हूँ, मुझ में जीवित है, उसके विश्वास से मैं जीवित हूँ। तो पौलुस उस यीशु मसीह को अनुभव कर रहा था, उस यीशु मसीह को प्रचार कर रहा है। आज यीशु मसीह को देखना चाहते हैं बाहर वाले, वो लोग अलग अलग कारण से देखना चाहते हैं, वो लोग भी देख सकते हैं, लेकिन वो लोग यीशु मसीह को अभी देखना चाहेंगे। अभी वो यूनानी लोग यीशु मसीह को देखने आए थे, वो लोग यीशु मसीह को देख नहीं पाएंगे, फिलिपोस में देखेंगे, अंद्रयास में देखेंगे, पत्रस में देखेंगे, महिमाए जी कलिसिया वाले आपके एक एक अंदर लोग यीशु को देखेंगे। आंसर यही है, आंसर यही है, देख नहीं पाओगे तुम लोग। मेरे बच्चों लोग यीशु बन जाएंगे, कितना यीशु हो गया यहाँ पर, एक दाना बोया गया, बोलो लाखों करोड़ों उसमें यीशु को देखोगे। मैं तो जा रहा, मेरा समय खत्म, ट्रेन आ गए, गाड़ी आ गया, चढ़ना पड़ेगा मेरे को, अभी तुम मुझे नहीं देख पाओगे, अभी आकर के मेरे साथ बहस करोगे, वाद विवाद करोगे, ज्ञान की बातों को लेकर के लोग झगड़ते कभी कभी हमारे पास भी, हमको टाइम नहीं उसके लिए, हम जीवन का प्रचार करेंगे। ज्ञान है जरूर, मसीह का क्रूस भी ज्ञान है, पहला कुरिन्थी पहला अध्याय में बोल रहे हैं, यूनानी ज्ञान को ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम परमेश्वर का ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं, दुनिया के लिए मूर्खता है, क्रूस के संदेश उद्धार पाने वाले के लिए परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर का सामर्थ्य है, दुनिया के लिए मूर्खता है, लेकिन वही ज्ञान वही जीवन उसको पाना, एक गेहूं का दाना बोया जाएगा, हजारों लाखों करोड़ों इसमें यीशु देखेंगे। आज प्रचारक लोग हमारे लिए सवाल है, लोग यीशु को देखना चाहते हैं, विश्वासी लोग हर एक के लिए, सेवक लोग सेवक गण, मेरे विश्वासी गण सभी के लिए, दुनिया का क्राई, द क्राई ऑफ द ह्यूमैनिटी, सर श्रीमान हम लोग तो छोटे मोटे लोग हैं, लेकिन हमारा पास बड़े लोग आके बोल रहे हैं सर जी यीशु को, क्योंकि आप यीशु को दिखा पाएंगे, दुनिया के मार्केट में मिलेगा नहीं, बड़े बड़े प्रसिद्ध लोगों में यीशु नहीं मिलेगा। अभी कभी कभी कोई प्रसिद्ध आदमी यीशु मसीह के पास आ गए, सब लोग उसको उठा के दिखाना चाहते, उसमें यीशु देखो, उसमें कभी कभी यीशु भी यीशु को थोड़ा दिखा करके 80% शैतान को लोग दिखाने वाला रहते हैं, बाद में यीशु से लोग टोकर खा के भाग जाते हैं, लेकिन सच्चाई विश्वासी में यीशु दिखेगा, सच्चाई समर्पण में यीशु दिखेगा, यीशु के जैसे मैं भी अपने आप को
क्या कर दिया उसी में यीशु दिखेगा। यही आगे के वचन, बहुत बारी बारी वचन है, मुझे कभी कभी डर भी लगता है, पास्टर जी इतना ज़्यादा बारी बारी बोलेंगे हम लोग तो टिकेंगे कि नहीं, बोलो भागेंगे। यस माई माया जी वाला टिकेंगे, मजबूत बनेंगे, ऐसा वचन, मजबूत वचन यीशु जी बोल रहे हैं। जो मेरे सेवा करना चाहते हैं, कौन माई माया जी वाले सेवा करना चाहते हो ना, क्या करना है हा? आगे बता रहे हैं, सच सच कहता हूँ, वो तो हो गया, 25वां वचन पढ़ना, 25 और 26। यही मैंने यूथ मीटिंग में भी बताया, प्राण को खोना, प्राण को बचाना, मीनिंग भी मैंने समझाया, अभी वो वीडियो में आप देख लेना, मैंने एक्सप्लेन किए कौन सा प्राण को कोना है। हाँ वंदी गल श्रीधर, क्या करूँगा बेटा, कौन सा प्राण को कोना है, कौन सा प्राण को बचाना है, अपना जीवन को कोना है, यीशु जी का जीवन को पाना है, खुद को कोना है उसको पाना है, खुद को कोने बगैर उसको नहीं पा सकते हैं, पुराना सृष्टि को मारना है, नए सृष्टि को जीने देना है, वही बोल रहे हैं। 25 पढ़ना, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा, उसकी रक्षा करेगा। आपके अंदर यीशु जी का जीवन रहेगा, आपका खुद का जीवन का परवाह नहीं है, क्योंकि अंदर दूसरा जीवन है, यीशु जी का जीवन आ गया, वो तो जीवन से बढ़कर है, कोई भी परिस्थिति को सामना करने का ताकत उसमें है, सारे बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, सारे जो एडिक्शंस हो, सबको चुकना चुर करने का ताकत तो यीशु मसीह का जीवन के अंदर है, उसका जीवन पाना है, अपना जीवन खोना है। प्रभु की महिमा मिले चाहे वो मेरा अपमान, अपने प्राण को खोएगा उसको पाएगा। ठीक है, आगे अगला वचन पढ़ना, 26-25 पढ़ लिया आपने, 26 पढ़ो। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। किसका आदर चाहिए किसका आदर चाहिए? परमेश्वर का। बोलते यदि कोई मेरा सेवा करे, कैसे सेवा करना है? जहाँ यीशु रहेंगे वहीं रहना है कि नहीं? बोल रहे हैं जहाँ यीशु जाएगा वहीं जाना है, जहाँ यीशु नहीं जाना चाहेंगे वहाँ आपको नहीं जाना। कहाँ मुझको जाना, क्या है मुझको कहना, राधिका दे आत्मा प्रभु। का मुझको जाना, क्या है मुझको कहना, राधिका दे आत्मा प्रभु। जहाँ तू न चाहे वहाँ मैं न जाऊँ, रोक मुझे आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, परिशुद्ध आत्मा प्रभु।
मन में हमारे रहने वाले भावनाथ माँ, राह पे अपनी रात दिन हमको तू चला। मन में हमारे रहने वाले भावनाथ माँ, राह पे अपनी रात दिन हमको तू चला। आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, परिशुद्ध आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, परिशुद्ध आत्मा प्रभु। मेरे प्रिय बच्चों, आप में काफी सारे लोग सेवक काई के लिए तैयार हो रहे हो। मैं एक बड़ी सीक्रेट बता रहा हूँ, कभी भी ऐसा यीशु को लोगों को नहीं दिखाना जो यीशु को वो लोग देखने के लिए शारीरिक तौर से चाहते हैं। वही यीशु को उनको दिखाना है, उनके लिए मददगार होगा, उनके जीवन को बदलेगा। वही सच्चाई यीशु को दिखाना, जो कोई मेरा सेवा करे मेरे जैसे रहे, जहाँ मैं जा रहा हूँ वहीं जाएं। मनुष्य का प्रशंसा के लिए गलत यीशु को प्रचार मत करना, सही यीशु को बताओ। और सही यीशु को पीछे चलने के लिए जो भी कीमत चुकाना पड़ेगा वही कीमत है। घमंड के लिए मर जाओ, गुस्सा के लिए मर जाओ, कोई भी पैसे की लालच के लिए मर जाओ। एक आदमी था यीशु मसीह के टीम में, उसका नाम जुड़ास। दूसरा एक आदमी था पौलुस का टीम में, उसका नाम देमास। क्या नाम है? एक जुड़ास, दूसरा देमास। दोनों का बीमारी एक ही था कि अपना आप को इनकार नहीं कर पाए, पैसे के लालच को छोड़ नहीं पाए। इसलिए मैंने बोला क्रूस नहीं उठाओगे तो शैतान का फंदा में फंसोगे। फंस गए वो लोग। लिख रहे हैं पैसे की लालच हर बुराई का जड़ है, पड़ोस लिख रहे तीमोथियुस में। तो वो सब छोड़कर जवानीपन की अभिलाषा से भागो, क्रूस उठाकर भागो जवानीपन की अभिलाषा से। अपना आपका इनकार करने का मतलब यह है ना, यही मतलब है जवानीपन अभिलाषा को। ना, नो नो नो, जिंदगी भर अपना आपको इनकार करना। एक दिन का एक मीटिंग नहीं है, एक भाषण नहीं है। जरूर हम भी एक दिन निर्णय किया, मेरा तारीफ नहीं, मेरा मर्जी नहीं। पास्टर जी आप बड़ा सेवक क्यों नहीं बनते, उसके जैसे थोड़ा कंपटीशन करो उससे जैसे आप भी बन जाओ। नो, अभी थोड़ा कोट वेट पहन के थोड़ा अपना आपको दिखाओ, बड़ा दिखाओ। नो, अरे बड़े बड़े स्कूल स्टार्ट करो, पैसा बहुत मिलेगा। नो, लोगों की इच्छा के अनुसार ऐसी ऐसी पॉलिश करके प्रचार करो। यस सर, नो, थोड़ा अपने लिए बढ़िया करो ना, नाम कमाओ। यस सर, नो, यही है क्रूस उठाने का मीनिंग है। ये मत सोचो मैं परफेक्ट हो गया, लेकिन कम से कम मैं चाहता हूँ ऐसे मैं रहूँ, ऐसे मेरे बच्चे लोग रहूँ, यही मैं चाहता हूँ। अपने आप को इनकार करना मतलब ये है, शरीर बोलता है देखो देखो देखो, आत्मा बोलता है नो, पवित्र आत्मा बोलता है नो। तो जब पवित्र आत्मा बोल दिया नो, तो नो, तो आइए हम खड़े हो जाएंगे। इनकार करने का मीनिंग ये है कि यीशु जैसे बनना है, मतलब उसके पवित्रता, उसका प्रेम, उसके सहनशीलता, उसका जीवन, अपना जीवन नहीं, उसका जीवन, उसका जीवन काम करे, उसके जैसे हम चले। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं तेरा मधुर वचन के लिए, आपके जैसे बनने के लिए। मुझे मेरे बच्चे लोगों को मदद कर, जो मेरी सेवा करेगा वो मेरे पीछे चलेगा, जहाँ मैं रहूँ वहीं वो रहेगा, जो मेरी सेवा करेगा उसको मेरा पिता आदर करेगा। प्रभु जी, ऐसे आपसे आदर पाने के लिए
मेरे प्रिय सेवक गण, मेरे विश्वासी गण, हमेशा आपके खुश करने के लिए, आपके लिए सेवकाई करने के लिए जो आज रात को जा रहे हैं प्रभु जी, क्रूस उठाकर जा रहे हैं, ज़रूर प्रभु जी आप उनके साथ हैं। ज़रूर प्रभु जी आपके सामर्थ्य को प्रकट करें, आपकी चंगाई को भी प्रकट करें, आपका प्रेम को प्रकट करें, क्रूस के संदेश को साइडंग से लोगों को पास पहुंचा दें। वही उद्धार का कारण है, उद्धार का कर्ता आपको हम प्रभु जी साइडंग से जाने, साइडंग से लोगों को बताएं। यही जो प्रलोभन है दुनिया में हमारे लिए मोह माया है, उसमें से हमारे को बचा के रखिए। आने वाले दिनों में आपके लिए हम अच्छी गवाही बने, लोग हम में यीशु को देखें, हमारा जीवन के द्वारा यीशु को जाने, हमारा द्वारा यीशु का चेला बने, हमारा द्वारा स्वर्ग राज्य को पाए। हमारे को तेरे हाथों में देता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ स्वर्गीय पिता, आमेन। हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति हम सबके साथ हमेशा बना रहे, आमेन।